मित्रों नमस्कार, आपका फिर स्वागत है। और आज भी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। आज की सबसे महत्वपूर्ण और दिन भर की हॉट खबर रही कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सुबह तक लगभग तस्वीर क्लियर हो गई थी कि सिद्धरमैया मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री होंगे और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, साथ साथ में जो अभी अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और 3 साल बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसके बाद शिवकुमार बेंगलोर में ही थे तो दिल्ली से उन्हें फ़ोन गया कि आप तुरंत दिल्ली आइए, तो दिल्ली आ गए। और सिद्धरमैया दिल्ली में पहले से ही थे तो उनको अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों से अलग अलग बातचीत की, फिर उनकी एक साथ मीटिंग हुई, फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजीव गांधी की मुलाकात हुई, फिर शाम को सोनिया गांधी आ गई, फिर सोनिया गांधी की और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मुलाकात हुई। तो मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा लेकिन कोई फार्मूला नज़र नहीं आया, क्योंकि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो चाहते हैं कि सिद्धरमैया बने, क्योंकि वो उनके साथी हैं, दोस्त हैं, साथ साथ उन्होंने राजनीति की है। और डीके शिवकुमार जूनियर हैं, लेकिन डीके शिवकुमार एक साहसी नेता हैं जिनके बदौलत कांग्रेस ने सत्ता हासिल की है। तो स्वाभाविक तौर पर उनका दावा बनता है, क्योंकि वो बड़ी जो वहाँ के महत्वपूर्ण जाति है वोकालिंगा, तो वो वोकालिंगा से हैं जो करीबन 12% के आसपास है। और जो सिद्धरमैया हैं वो कुर्बी जाति से हैं जो केवल 7% है। तो सिद्धरमैया चूँकि सेना लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो एक उनके जो तरफ एक जो उनके पक्ष में बात जाती है कि वो अनुभवी हैं। और डीके शिवकुमार के बारे में कहा जाता है कि वो इतने अनुभवी नहीं है और उन पर बहुत सारे केसेस हैं ईडी के, इनकम टैक्स के, सीबीआई के। तो उस पर उनका कहना है कि ये सब तो कांग्रेस के कारण ही हुए। जब वो कांग्रेस को बचाने के लिए संकटमोचक बनते थे तो केंद्र सरकार उन पर मुकदमा ठोक देती थी, तो अब जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो तब सीनियोरिटी देखी जा रही है या दूसरे जो काम है वो देखे जा रहे हैं। तो आज शाम तक जैसे उम्मीद थी कि तय हो जाएगा और सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बन जाएंगे और डिप्टी सीएम डी शिवकुमार बनेंगे और फिर 3 साल का फार्मूला रहेगा, लेकिन अभी वो हुआ नहीं, मतलब फाइनल नहीं हुआ। और इसके बाद एक और जो परमेश्वर नेता हैं वो भी, उन्होंने भी दावा ठोक दिया कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं, फाइनली मुझे लगता है कि कल तक इस बार कोई समाधान आना चाहिए, क्योंकि पार्टी की मंशा थी कि 18 मई तक शपथ ग्रहण हो जाए, क्योंकि ऐसे बैठा रहेंगे, ऐसा ना हो कि फिर पीछे कोई हड्डी उठा के खा जाए जैसे गोवा में हुआ था। तो हालांकि यहाँ ऐसे नौमत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी स्थितियाँ बिगड़ते हुए नहीं देखा जाता, नहीं समझ जाता कब आएगा। मित्रों, आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि जिस तरह से ईडी काम कर रही है और छापेमारी कर रही है, अफसरों को घेर रही है, अफसरों के खिलाफ मुकदमे कर रही है, तो उसे डर का माहौल हो गया है। और उस डर के कारण जो बुरा बर्ताव कर रही है और जो छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवर्तन निदेशालय पर बुरा बर्ताव करने और राज्य में कथित तौर पर 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसाने की कोशिश करने का आरोप लगाने बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जांच एजेंसी से डर का माहौल पैदा न करने को कहा। तो ये जो ईडी है वो डर का माहौल पैदा कर रही है कि कोई काम न करे, उनको डराओ, उनको झूठे केस फंसाओ। और ऐसे बहुत सारे केसेस में ऐसे जो राजनीतिक विद्वेष के कारण या राजनीतिक बदले की भावना से जो काम हो रहा है वो मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक है। ऐसे अफसर काम नहीं करेंगे। और अभी जैसे भूपेश बघेल के आसपास के जो अफसर हैं उनको पकड़ा गया है और राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति ए अमनुल्ला की पीठ के समक्ष आरोप लगाया था कि राज्य के आबकारी विभाग के कई अधिकारियों ने शिकायत की है कि ईडी उन्हें तथा उनके परिचित सदस्यों को गिरफ्तार करने की धमकी दे रही है, मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने दावा किया कि अधिकारियों ने कहा कि ये विभाग में काम नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि ईडी बुरा बर्ताव कर रही है, ये आबकारी अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं और यह हैरान करने वाली स्थिति है। अब चुनाव आ रहे हैं तो
तो यह हैरान करने वाली बातें, चुनाव आ रहे हैं इसलिए सब हो रहा है। और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने आरोपों का विरोध किया और कहा कि जांच एजेंसी राज्य में एक घोटाले की जांच कर रही है। इस पर पीठ ने कहा कि जब आप इस तरीके से बर्ताव करेंगे तो जायज़ वजह भी संदिग्ध हो जाएगी और डर का माहौल पैदा होगा। पिछले महीने छत्तीसगढ़ सरकार ने PMLA के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार जांच एजेंसी का इस्तेमाल करें और भाजपा सरकार को डराने, परेशान करने या सामान्य कामकाज को बाधित करने के लिए किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों की असंवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने अनुच्छेद 131 के तहत अधिनियम को चुनौती देते हुए मूल वाद दायर किया। यह अनुच्छेद किसी राज्य को केंद्र या किसी अन्य राज्य के कथित वाद की स्थिति से सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का अधिकार देता है। ये मामला क्या है? मामले के धनशोधन का मामला दिल्ली की एक अदालत में 2022 में दाखिल आयकर विभाग ने एक आरोप पत्र आधारित है। ईडी ने अदालत में कहा था कि एक सिंडिकेट द्वारा छत्तीसगढ़ में शराब के व्यापार में बड़ा घोटाला किया गया है। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि इस सिंडिकेट में राज्य सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारी, निजी व्यक्ति, राजनीति से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं। उन्होंने 2019-22 के बीच 2000 करोड़ रुपये से अधिक का भ्रष्टाचार किया। तो ये दिल्ली में बैठे CBI को सपना आ रहा है कि वहाँ घोटाला हो गया। और इस तरह की जो वाकई एक डर का माहौल है कि आप CBI के ED केस से लोगों को डराओ और माहौल बनाओ, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था संघीय ढांचे के कम से कम ये अनुचित होगा। मित्रों, आज 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं और केंद्र सरकार हर योजना और हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जो है पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां कर रही है और इसके कारण जो भ्रष्टाचार था और जो भाई भतीजेवाद था वो खत्म हुआ है। तो 71,000 लोगों को टिकट दिए गए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मित्रों, इसके अलावा केरल में 4 जून को दस्तक देगा मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून 4 दिन लेट से पहुंचेगा और 4 जून को अब आएगा। वैसे पहले जून को आता था लेकिन 4 दिन अब लेट हो जाएगा। मित्रों, आज चीफ जस्टिस ने कहा कि अवकाशकालीन पीठ हाइब्रिड सुनवाई करेगी, यानी कुछ लोग अदालत आ सकते हैं और कुछ लोग ऑनलाइन से सुनवाई कर सकते हैं। और जो अवकाशकालीन पीठ है वो 22 मई से 2 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इस दौरान जो भी नए मामले आएंगे या ऐसे कोई इमरजेंसी के जो जितने भी मामले आएंगे उनको अवकाशकालीन पीठ सुनेगी। मित्रों, निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उनको सरकार में बड़े पदों पर भर्ती करने की योजना है। इसको लेटरल एंट्री कहते हैं। 22 सरकारी विभागों में इनकी एंट्री होगी और अभी तक जिन करीबन 30-40 लोगों की भर्ती हुई है उनके क्या फीडबैक आया इसका पता नहीं चला, लेकिन सरकार ने लेटरल एंट्री के तहत ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर पर निजी क्षेत्र के लोगों को भर्ती किया था। तो उन भर्तियों का क्या फ़ायदा हुआ ये भी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन और भर्तियां इसमें होंगी। उसके अलावा मित्रों, आज जो कुछ और खबर है कि नए संसद भवन की साज सज्जा का काम अंतिम चरण में है और इस महीने तक काम पूरा हो जाएगा और उम्मीद है कि मोदी सरकार की 9 साल पूरे हो रहे हैं उसमें संसद भवन की का भी उद्घाटन हो सकता है। 30 मई को 9 साल पूरे होंगे, तो इसलिए ये भी हो सकता है कि इसी महीने 28-29 तारीख को। आज मित्रों, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को लेकर UGC ने एक नया पोर्टल शुरू किया है और उसमें कहा कि जो लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो चूँकि लोगों को भी पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 10% लोगों को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस रखना है, लेकिन उसमें
बात बन नहीं पाई, यानी अभी तक ऐसे लोगों का अपॉइंटमेंट हुए नहीं जो एक्सपर्ट हैं, जो मार्केट के लोग हैं। तो उसके लिए एक नई वेबसाइट शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद हम लोग रजिस्टर कर सकेंगे। फिर अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो यूनिवर्सिटी वाले वहाँ से पूछ सकते हैं। और मित्रों, इसके अलावा जो कुछ और खबरें हैं कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों का उत्पीड़न कर रहा है चीन, अमेरिका ने कहा है कि जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है। अमेरिका ने धार्मिक रिपोर्ट के जरिए भारत पर उठाए सवाल, कहा धार्मिक समुदाय के सदस्यों को बनाया जाता है निशाना। न्यूजीलैंड का हॉस्टल में आग लगने से 6 की मौत हो गई है। रूस में फिर बनाया कीव को निशाना, वहाँ विस्फोट किए मिसाइल से। और इमरान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। पाकिस्तान में बड़ी भयानक राजनीति हो रही है और सेना ने उन पर आर्म्स एक्ट लगा रहे हैं, शायद उनको 10 साल के लिए जेल भेजते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और आज मुंबई और लखनऊ के बीच आईपीएल हो रहा है, लगता है कि मुंबई जीत सकती है। और चीन से कम हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का आयात। सरकार ने फर्जी जीएसटी पंजीकरण के खिलाफ अभियान शुरू किया है। संचार साथी पोर्टल शुरू हो गया है। और इसके अलावा मित्रों, और कुछ अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए, मैं इन सुझावों पर बात करने की कोशिश करूँगा। तो कल तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।